Jingles. देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव मुडलाना से आ रही है, जहां पर गांव मुडलाना स्थित श्री कृष्ण वासुदेव गौशाला में गाय मरने का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि गांव मुडलाना स्थित गौशाला में पिछले 8 से 10 दिन के अंदर लगभग 50 या 60 गाय मरने का मामला सामने आया है। गाँव वासियों ने आरोप लगाए हैं कि जो गौशाला कमेटी है उसके द्वारा गांव की गाय की जो है सेवा नहीं की जा रही है, उनको समय पर चारा नहीं दिया जा रहा है। उसी को देखते हुए यहां पर गांव वासियों ने काफ़ी गंभीर आरोप कमेटी पर लगाए गए हैं और गांव के लोगों के द्वारा कहा गया है कि गाय की जो है बिल्कुल दुर्दशा हुई हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर गौशाला के अंदर किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह यहाँ पर गाय मर रही हैं। पूरी जो कहानी है आप तस्वीरों में बयां कर रही है, आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि किस तरह जो है हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और गांव के लोगों की माने तो गांव के लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास जो है जो गौशाला है वह प्रॉपर जो है जो इनको राशन मिलता है खाने का वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसी के कारण गायें यहाँ पर रोज़ाना मर रही हैं। और बात करें गौशाला कमेटी के सदस्यों की, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी यहाँ पर गाय की मौत नहीं हो रही है, लेकिन जो है तस्वीरें और ही कुछ बयां कर रही है। और कमेटी का कहना है कि इस तरह के जो है कुछ शरारती तत्व हैं, उनके द्वारा ये वीडियो बनाई गई है और वायरल की जा रही है। और हम आपको बता दें कि कमेटी के सदस्य आजाद लठवाल ने कहा कि इस तरह की कोई भी यहाँ पर गाय की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गोहाना स्थित एक उपचाराधीन जो है गाय को ठीक करने का एक सेंटर है गोहाना के, वहाँ से कुछ जैसे गायें मर जाती हैं तो उनकी यहाँ पर दबाने का काम किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी हुई है। और लेकिन जो तस्वीरें हैं वो और कुछ बयां कर रही हैं, और इस पर जो है प्रशासन भी वहाँ पहुँचा था। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई के लिए अगले रविवार की जो है यहाँ पर कमेटी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, उसके बाद जो है अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन गाँव के लोग जो है काफ़ी गंभीर आरोप जो है कमेटी पर लगा रहे हैं। और आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह जो है गाय की दुर्दशा जो है यहाँ पर दिख रही है, किस तरह यहाँ की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं। और गांव के बाबा सरवण दास ने, सुनिए उन्होंने क्या कहा और क्या आरोप गौशाला पर लगाए गए हैं। ब्याई हुई गौ के लिए इनके पास कोई रंधी नहीं है, ना ये रांध के गिरते शरब बीच में, ना आज तक है कवा हाँ तो ये नहीं और गए हैं, आज तो इसमें आटा ही नहीं है, आटा ही नहीं पीछे आज तक इन, फिर आप कह दो जो करे वो आटा तो चाहिए नहीं, घर आदमी पशु ले रहा है, हरिया चारा से खत्म हो गया है, खड़ में हुआ तूड़ा भी दे है, लास्ट में फिर भी के बोला है भाई एक मुठ्ठी चुनगी तो ला दे जागे भाई का पेट तो भर जाएगा। तो कितने दिन से ये मौतों का आंकड़ा आ रहा है? ये मैं तो एक हफ्ते से देख रहा हूँ, कम से कम 50-60 गौ माता का फोटो आ रहे हैं, ये एक हफ्ते से ले गए लोग आए हैं और ये फोन ना पाए हैं, मेरी तो कोई आईडी भी नहीं है, मैंने तो पता चला फोन ना पे देखा हर जब मैंने जागा जो ऑब्जेक्शन उठाया। तो प्रशासन ने क्या, प्रशासन ने भाई बढ़िया करे हमारे लिए, प्रशासन आया था बहुत बढ़िया आया था, लेकिन उन्होंने एक हफ्ता नहीं दिया, उस एक हफ्ते के कारण प्रशासन को भी हमने लिख के दे दिया जी अगे एक हफ्ते के बाद मामा आपने बता देंगे। और सहमति ये समझो क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो हम ये चाहवा भाई ये मतलब गौ हत्या बंद हो, बस इनकी सेवा होनी चाहिए, जितना लोग दान दे है ना उसी ये सेवा होनी चाहिए। ये बाप नागौर की गौशाला है, पूरे भारत में मशहूर है, अब वहाँ ऑपरेशन तक होते हैं गौ के, और ये इतनी बड़ी संस्था है इसके अंदर 3 डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है ना कभी कोई सी, अब आप जाके देख सको कोई भी देख सके, अगर किसी गांव का सींग गई पट्टी पुंजड़ गई पट्टी पा जाए तो उन डॉक्टरों को तनख्वाह दे जा रही है बेमतलब की, इसमें मतलब आदमी नहीं है, कब तो है 80 मजदूर आएंगी और इसमें मजदूर नहीं पाए हमने 20 भी, हमने ये फोटो देख लो आप दुनिया दिखेंगे फोटो उतर रहे ना, इन फोटो हम आदमी दिख जाएंगे इसमें कितने आदमी है। इसमें दिन में 11 बजे एक मजदूर है, वो गवर्नमेंट का भी लंच हुआ है 1 बजे
खाना खाओ चाह पियो आराम करो। वो एक वर्कर होंदे हुए 11 बजे तीन आदमी जिनकी जिम्मेवारी एक बार आटा पीसना गां रोकनी नहर देखना वो ये बोल रहे हमको कोई पता है नहीं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आजाद लिठवाल। मामला आया है, वीडियो भी वायरल होती है कि कुछ गायें मरने का मामला यहाँ पर आ रहा है कि उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पर लगभग 40-50 गायें मरने का मामला आया है, क्या मैटर सर? ऐसा है जी, नहीं तो यहाँ 40-50 गायें मरी और न ऐसा कोई मैटर। आज सुबह ये जो विकलांग की गौशाला है जो गोहाना पानीपत रोड पर है गड्ढी गांव के पास है, वहाँ से दो गायें आई थी और काफ़ी वर्षों से उनके साथ यहाँ कमेटी के साथ उन्होंने एक परमिशन ले रखी है कि भाई जो गायें हमारे पास तो स्पेस नहीं, जो गायें यहाँ एक्सपायर हो जा आप हमारी मदद करो कि आपके पास स्पेस है और हम वो एक्सपायर गायें यहाँ भेज दो, आप हमारी मदद करो वो गायें दबवा दिया करो यहाँ। तो इसलिए उसी रूटीन में वो गायें आज आई थी और वो गायें वो ट्रॉली वाला जो उसको उतार के चला गया और बरसात हो रही थी और जेसीबी वाला ये बरसात का इंतज़ार कर रहा था कि भाई थोड़ी देर बरसात रुकने के बाद इनको दबा देंगे। और इतने में कुछ शरारती बच्चों के काम हैं ये, उन्होंने उसके फोटो उतार के वायरल कर दिए। तो ये कि मतलब सोची समझे एक शरारत थी और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। गांव के लोगों ने कुछ जवाब बताए हैं कि यहाँ पर पैसा काफ़ी है लेकिन फिर भी गायें जो है भूखी मरती हैं और दूध जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए चाय के लिए जो दूध है वो भी बाहर से आता है, इसमें कितनी खर्च है? देखिए ये टोटल का टोटल एक शरारत है। ये मुड़लाना गौशाला का एक बहुत अच्छा सिस्टम है और उसमें सारी गायें की घास की चारे की और उसके अनाज की और खल की हरे चारे की सारी की रेशो है, उस रेशो के अनुसार हर किसी को समय के अनुसार चारा डाला जाए और